पहली चीज़ होती है रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है किसी भी रिलेशन में चलाने के लिए। सेकंड थिंग होती है आपका पेशेंस, तो ये दोनों चीज़ आप अगर रखते हो या कोई बंदा हमारे जैसे लिंक से आता है तो डिस्काउंट दोगे? बिल्कुल सर, जरूर डिस्काउंट देंगे, भैया के लिंक से जो आएगा तो उसको स्पेशल गिफ्ट भी देंगे। क्या मनु भाई और कैफे भाई, थोड़ी तकलीफ दे देते हैं यार, प्रॉब्लम आ रही मेरे फोन में, ड्राइवर है ना बैक ग्लास है तो बिल्कुल टूट चुका है, क्रैक हो गया। कोई नहीं, अभी एंड्रॉइड हो गया, एक घंटे में काम करते हैं। ये मैं शॉप से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये है एक्चुअली मेरा 11 का जो बैक ग्लास है वो टूट गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका एक ब्लॉग बनाया जाए किस तरीके से एक पूरा आईफोन जो है भैया रिपेयर करते हैं। तो गाइस ये फ़ोन की हालत 11 है, आईफोन 11, और इसका जो बैक ग्लास है वो क्रैक हो चुका है, तो उसको मैं अभी रिपेयर कराने के लिए आया हूं भाई के पास। ये बैक ग्लास क्रैक करने का स्पेशल टूल है हमारे पास, क्रैक करने का, ठीक करने का, क्रैक करने का। अरे क्रैक ही करना पड़ेगा, और क्रैक होगा ये? और क्रैक होगा। अच्छा, ये क्या है? बैक ग्लास क्रैक करने का। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले तो इसको पूरा तोड़ के निकालना पड़ेगा। आवाज़ है, खास सावधानी ये रखना, टूटे पीस को साइड में कर दो, क्योंकि आपकी नीचे डिस्प्ले है, एक भी पीस अगर नीचे डिस्प्ले को दबा देगा तो आप नुकसान भर सकते हैं अच्छा मोटा। ये क्या है, चाहिए एप्पल के? एप्पल के क्या है ये? ये वायरलेस चार्जर। सावधानी हमें यहाँ की रखनी पड़ती है, यहाँ माइक है। अच्छा अच्छा, अगर हमारा माइक खराब हो गया तो फोन 3-3 मिनट में रीस्टार्ट मारना शुरू कर देगा। ओके ओके, फ्लैशलाइट या माइक पे हल्का सा भी अगर आप हीट मार देंगे तो एक मिनट में अपनी जगह छोड़ देंगे, उसके बाद फोन हर 3 मिनट में रीस्टार्ट मारेगा। अच्छा, ऐसा क्यों? ये सेंसर है इनके अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा, सेंसर मिस हो जाता है तो फोन रीस्टार्ट मारता है। बहुत लोग परेशान होते हैं, 3 मिनट में क्या चेक करें, 3 मिनट में क्या चेक करें, 3 मिनट में रीस्टार्ट हो रहा है, 3 मिनट में सेंसर चेक करा जाता है कौन सा सेंसर मिस हो गया फोन का। लोग मदरबोर्ड की दिक्कत, फोन की दिक्कत, ये कह कह के फुद्दू बनाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सर मदरबोर्ड में दिक्कत है, इतने पैसे लगेंगे, 5,000 लगेंगे, 10,000 लगेंगे, ये सिर्फ सेंसर का काम है और कुछ भी नहीं है। तो भाई किसी के साथ ऐसी परेशानी हो और हर 3 मिनट में फोन जो आपका रीस्टार्ट हो रहा है तो आप एक बार ये सेंसर चेक करा सकते हैं मोनू भाई की शॉप पे। सेंसर फोन में और भी होते हैं, सिर्फ ये सेंसर नहीं है, जरूरी नहीं है, इसी से ही 3 मिनट की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बैक पैनल में होते हैं? बैक पैनल अगर चेंज करवाया उसके बाद से अगर रीस्टार्ट कर रहा है तो आप बेवकूफ ना बने। अच्छा अच्छा, उसको कहें मेरा माइक का पत्ता आपने खराब कर दिया, इसको नया लगा दीजिए। ये आपने जहाँ से पहले काम करवाया है उसने, कहना नहीं चाहिए मैकेनिक, मैकेनिक की बुराई करता कहते हैं पर बुराई करने वाली बात है, इसे आप व्हाइट ग्लू से चिपकाते तो और बेटर होता है। अच्छा अच्छा, व्हाइट ग्लू से, ब्लैक ग्लू से चिपकाने में फिनिशिंग बहुत गंदी आती है। जब आपका ऑप्शन है, आप दोनों मोबाइल रिपेयरिंग वाले बंदे सभी के पास होती है व्हाइट ग्लू, ब्लैक ग्लू दोनों तरह की होती है, तो आप व्हाइट ग्लू से चिपकाओ, क्यों ब्लैक ग्लू डाल देंगे? फर्क होता है क्या इनमें? एक तो ब्लैक ग्लू आपको साइडों से दिखेगी। अच्छा अच्छा, व्हाइट ग्लू होती है ट्रांसपेरेंट, दिखेगा ही नहीं। आपने देखा होगा, आपने बैक ग्लास चेंज करा, साइड में ब्लैक 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 शेड सी चमक रही थी आपके फोन में, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, साइड में गैपिंग हुई थी। हम आपको तैयार करके देंगे, साइड में माइनर सा भी गैप नहीं होगा। कितनी सफाई से काम किया जा रहा है? अरे ब्लैक ग्लू को एक बार लगा तो दोबारा साफ करने में इसके ब्लैक ब्लैक निशान रह ही जाते हैं, चाहे कितना मर्जी साफ कर ले, बहुत मुश्किल हो जाता है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो प्लीज मेरे मोबाइल रिपेयरिंग वाले भाइयों से रिक्वेस्ट है, जहाँ व्हाइट ग्लू लगनी है वहीं व्हाइट ग्लू लगाओ, ब्लैक पे ब्लैक लगाओ। बिल्कुल बिल्कुल।
हमें भी नहीं पता होती कि क्या क्या चीज़ें यूज़ होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, वो तो ये है कि आप किसी प्रोफेशन से काम कराते हैं तो आपको वो गाइडेंस प्रॉपर जो होना चाहिए वो मिलता है। काम करो ढंग से प्रोफेशनल तरीके से, हमें भी मजा आए काम करने, हमारा भी दिल मानता है, हमें सुकून से प्रोफेशनल तरीके से अच्छे से काम किया, कस्टमर को भी लगता है भाई किसी बंदे से काम करवाए। ये जरूरी इसलिए भी है ग्लू क्लीन करना क्योंकि उसके बाद फिर ये प्रॉपरली जो बैक ग्लास है वो बिल्कुल इसको लेयर टू लेयर मैच हो सके। कितनी फिनिशिंग से लेयर टू लेयर सारे ग्लू रिमूव की जा रही है, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं सभी भाइयों से, अपने जितने भी भाई रिपेयर करते हैं उनसे मैं यही गुजारिश करूँगा इस तरीके से क्लीनिंग करके ही करिए, और आप लोग जो रिपेयर कराते हैं अपने फ़ोनों का उस चीज़ का खास ध्यान रखिए क्योंकि अगर ये ग्लू नहीं हटेगी तो फिर दूसरी ग्लू इम्बेलेंस होगी और बैक ग्लास जो है वो अनइवन दिखाई देगा, इम्बेलेंस भी होगा बैक ग्लास और जल्दी टूटने का भी रिस्क। ओके ओके ओके, देखिए जल्दी टूटने का भी रिस्क रहेगा, प्रेशर भी अनइवन होगा उसके ऊपर से, प्रॉपर फिटिंग प्रॉपर फ्लैट नहीं होगा तो टेढ़ा मेढ़ा होगा तो जहाँ से हल्का सा भी टेढ़ा मास ब्रेक होगा। बिल्कुल बिल्कुल, काफी हद तक क्लीनिंग करी जा चुकी है आप देख सकते हैं। ये क्या भैया? ये एंटीना है, देखो हमारे भाई ने लास्ट वाले जिसने ग्लास चेंज किया। अच्छा अच्छा, ढंग से बैक पीछे का शीशा ही नहीं निकाला। अच्छा, पहले वाला था जो सबसे पहले वाला लगा हुआ था। ओके ओके, एंटीना भी चिपका हुआ है। तो भाई देख रहे हो पुरानी कमी ढकी अभी तक होता है, जल्दी जल्दी में काम करते हैं लोग। गाइस जब भी आप कभी अपना फोन कोई ठीक कराएं तो थोड़ा सा सब्र रखें यार, कस्टमर एक्चुअली दुकानदार की भी गलती नहीं, कस्टमर भी नहीं रुकता। भाई जल्दी चाहिए था एक्चुअली, आज का टाइम पेशेंस बहुत जरूरी है, पेशेंस बहुत जरूरी है क्योंकि यार ये देखो फोन मोबाइल फोन से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो चुकी है आज के टाइम में, सारे काम फोन पे होते हैं। तो वही है यार, आपको टीवी का रिचार्ज करना, फोन रिचार्ज करना, कहीं पेमेंट करनी हो, बैंक ट्रांसफर करना हो, वीडियो एडिटिंग करनी हो, जैसे लोगों को, तो सब मैं फोन पे ही करता हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ चीज को, थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, हमारे लिए बेनिफिशियल है। काम नहीं चलता तो भाई टेम्परेरी फोन रखो। बिल्कुल बिल्कुल, छोटा फोन ले लो, रिपेयरिंग वाले की अपनी जगह ठीक है, जल्दी कस्टमर करता है तो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ उनसे भी हो जाती है, क्या करें सर, हमारी गलती नहीं है, कस्टमर जल्दी करता है। छोटे छोटे कांच के टुकड़े हैं, अच्छा अच्छा, व्हाइट व्हाइट कांच के टुकड़े हैं, कितनी फिनिशिंग से क्लीन किया जा रहा है भाई। हीटिंग वगैरह भी इशू आता भी है कुछ, मतलब ग्लास की वजह से? नहीं कोई इशू नहीं, मैकेनिक अच्छा हो तो किसी तरह से कोई इशू नहीं आता, प्रॉपर काम होता है। ये बिल्कुल बैक पैनल क्लीन हो चुका है और अभी तो जो है ये नया बैक ग्लास लगेगा, मेरे पास खत्म हो रखी थी, मेरे पास काम आया तो मुझे स्पेशल मंगानी पड़ी, मुझे कोई इशू नहीं लगा, मंगवाई नहीं। ऐसे ही आप सब लोग भी प्लीज मंगा के काम करो कस्टमर का। ये तो भाई ट्रांसपेरेंट ग्लू यूज़ हो रही है इस बार, ये भी स्पेशली मंगवाई है, मेरे पास रहती है, यूज़ करते हैं हम और सारे मैकेनिक यूज़ करते हैं, पर अगर ख़त्म है तो ये नहीं ब्लैक ग्लू लगा दो, वाइट है, वाइट लगाने की जगह तो वाइट लगा दो, अगर इन सब छोटी छोटी चीज़ों से फिनिशिंग में बहुत फर्क पड़ता है। ये कोई अल्फाबेट लिख रहे हो भैया? नहीं स्माइली बना रहा हूं। स्माइली बना रहे भैया, कॉमेडी चलना चाहिए ना बीच में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो नींद आने लग जाती है। नहीं नहीं नहीं, बहुत ज़रूरी है। तो गाइस आज की तो यार हमारी वीडियो व्लॉग कम और एजुकेशनल पर्पज टाइप की ज़्यादा होगी, अच्छा अच्छा अच्छा, तो भाई ये टिक करने के लिए ताकि ये बिल्कुल हिले ना, लोग रबड़ मार। हाँ हाँ भाई, मैं अभी वही बोलने वाला था, काफ़ी लोग ऐसा होते हैं ना जो रबड़ बैंड लगा देते हैं। नहीं, रबड़ बैंड बहुत पुराना तरीका है, उससे ढंग से टेस्टिंग नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल, फिनिशिंग से काम करना हमें, बिल्कुल चाहिए फिनिशिंग, थोड़ा फिनिशिंग से तरीका यही है। और रबर बैंड लगाने के बाद भी मतलब हिल जाता है ये डिस्प्ले वगैरह, जो ये लूज हो जाए टूट जाए, बिल्कुल रिस्क होता है टूट जाएगा तो फिर कस्टमर कहाँ लगाएगा घर जाते टाइम, वो तो घर जाके लगाएगा, इतनी देर में उसका ग्लू सूख जाएगी, पर जहाँ पे सूख गई वहीं बैंड हो गया वो। तो भाई इस तरीके से टेपिंग की जा रही है प्रॉपर, कितने टाइम तक रखना अभी ऐसे? दो घंटे तक इसको, ज़्यादा देर रख सके तो बढ़िया है। ओके, मिनिमम दो घंटे तक रखना, मैं तो पूरी रात रख दूँगा इसको।
दो घंटे में ग्लू आराम से सूख जाता है। अच्छा पूरे में घूमेगी रबड़ तो इधर भी टाइट हो जाएगा इधर भी टाइट हो जाएगा और डिस्प्ले दबाव में आगे तो टच खराब हो जाएगी। बिल्कुल हो गया रेडी ये बैक रेडी हो चुका है देख सकते हैं आप लोग कोई फिनिशिंग कोई किसी तरह का कोई Thousand years later. मैं आ गया भैया के पास दोबारा। इसका जो साइड से फिनिशिंग करानी है इसमें क्ले का जो है वो डलेगा जो साइड में थोड़ा बहुत गैप होगा वो भी फुलफिल हो जाएगा बिल्कुल। उससे क्या है कि फ़ोन के अलग ही फिनिशिंग आती है। पहले से की कंपैरिजन में फ़ोन कैसा लग रहा है साइड गैप में ऑलरेडी दिखा चुका हूँ आपको। इसके पहले क्लीनिंग करेंगे हमने इसको चिपकाया था ना साइड में। जी जी हाँ हल्की फुल्की ग्लू अगर बाहर भी आई है तो अच्छे से क्लीन करके लगाएंगे। माइनर माइनर ये हल्का गैप है ये सब फिल हो जाएगा। तो भाई ये बिल्कुल ना बिल्कुल इसकी फिनिशिंग प्रॉपर हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा मैंने बैक ग्लास चेंज करवाया। जी 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 हल्की सी भी लाइनिंग नहीं है बचेगी नहीं। इसके लिए हम क्ले यूज़ करते हैं सेम कलर की यूज़ करनी होती है कभी दूसरा कलर लगाते हैं तो ठीक है। तो डॉम्फी क्ले यूज़ करें भैया और इसमें सेम कलर बनाएंगे इसको वो थोड़ा पर्पल डार्क है तो उसको लाइट पर्पल जैसा ही कलर है एग्जैक्ट। ये क्ले तो काफी सॉफ्ट है ना स्पेशल क्ले अलग से लाता हूं मैं इसके लिए। अच्छा 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 बच्चे खेलते हैं सूखता भी नहीं है कितना मर्जी टाइम में फोम क्ले है ये फोम क्ले। ओके कटिंग ज़्यादा हो रखी है okay. यहाँ थोड़ा सा हल्का भर के टाइम देना पड़ेगा इसको। पहले आपका ग्लास जो चेंज हो साइड से बॉडी की भी कटिंग कर दी है उसमें। तो ये किसी का होता है साइड का फ्रेम एल्युमिनियम का होता है। एल्युमिनियम का होता है पर उसके साइड में रबड़ होती है। अच्छा 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 तो रबड़ कट गई है इसको अच्छे से फिल करके ना थोड़ी देर रखेंगे सूख जाए क्ले उसके बाद दोबारा हो चुका है। आप देख सकते हो कैसी हालत थी और अब कैसी है चेक कर सकते हो। गैप भी काफ़ी अच्छे साइड से भर दिया गया है क्ले से और फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है ये देख सकते हो आप। तो गाइस देखो आप कॉन्फिडेंट देखो यार आज से कुछ दिन पहले ऑनलाइन जाते जानते देखो और आप देखो तो गाइस ये सब चीज़ें होती है यार कहीं से भी आप कोई भी लिंक बने आपका पहली चीज़ होती है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है किसी भी रिलेशन में चलाने के लिए। सेकंड थिंग होती है आपका पेशेंस। तो ये दोनों चीज़ आप अगर रखते हो तो यार देखो ऐसा आपके रिलेशन बनते रहेंगे। और भाई मेरे को तो बहुत अच्छा लगा कि मोनू भाई की शॉप पर मैं लेके आया हूँ फोन भी इतना अच्छी क्वालिटी में उसको करके दिया। तो भाई मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि आप विजिट करो शॉप पे और आप इनका काम देखो कैसा है। मैं सेटिस्फाइड हूँ आप लोगों को भी पसंद आएगा। तो कोई भी भाई हमारे पास फोन लाता है चाहे छोटा फोन हो कीपैड वाला वो भी रिपेयर होगा बड़ा फोन आईफोन 14 प्रो मैक्स कैसा मर्जी फोन सब होता है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर चिप लेवल मदरबोर्ड का काम सब कुछ रिपेयर करता है किसी तरह का। अदर थोड़ा बहुत एक्सेसरी का भी काम है सेकंड हैंड फोन भी रखते हैं हम। आप आइए विजिट कीजिए आपको अच्छा लगेगा। भैया कोई बंदा हमारे जैसे लिंक से आता है तो डिस्काउंट दोगे? बिल्कुल सर जरूर डिस्काउंट देंगे। भैया के लिंक से जो आएगा उसको स्पेशल गिफ्ट भी देंगे सर। तो भाई आपको डिस्काउंट भी मिलेगा अच्छा खासा तो आप विजिट कर सकते हैं। और भैया का जो शॉप का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप चेक करिए। तो भाई ये था आज का वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें और जुड़े रहें। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें हेल्दी रहें वर्कआउट करते रहें। दिस इज अंकित शिवान साइनिंग ऑफ।